जब इरशाद कामिल हमारी आपकी तरह नौजवान थे तो इनके एक दोस्त पंजाब का एक बड़ा मकबूल अखबार है ट्रिब्यून, उसमें इंटरव्यू देने गए। आप उनके साथ गए थे जी। दोस्त का सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका हो गया जी। और आप पत्रकार बन गए जी। फिर कैसे तय किया कि क्या है वो वाकया? मेरे अखलास पे इल्जाम न लगाओ यारो, बेसबब रूठ के जाते हो तो जाओ यारो। खैर, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। हुआ ये कि हम हॉस्टल में थे, हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल में रहते हुए हम मेस में बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, तो वो सामने बैठा था। अब हॉस्टल में क्या होता है, हम छोटे गांव से जब आते हैं तो माएँ हॉस्टल में रहती हैं, पता नहीं क्या कर रहा है बच्चा, बहुत बड़ा पढ़ रहा है, कुछ बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वो दो दो किलो का देसी घी का डिब्बा साथ में दे देती हैं, बहुत खाना, अच्छे से खाना, पढ़ना, दिमाग चलेगा तुम्हारा। तो मेरे सामने जो लड़का बैठा था उसके पास छोटा सा देसी घी का एक इतना सा डिबिया सी थी, वो खाना खाते हुए उसने मुझे एक चम्मच मेरे दाल में डाल दिया। तो मैंने आगे पीछे नहीं होता था, तो मैंने पूछा भाई ये क्यों? तो उसने कहा यार ना, मेरा एक वॉक इन टाइप का इंटरव्यू है ट्रिब्यून में, तू मुझे छोड़ आएगा? मेरे पास उन दिनों साइकिल होता था। तो मैंने कहा हाँ छोड़ाऊंगा, मुझे क्या। तो मैं उसको छोड़ने गया। अब छोड़ने गया तो उसने कहा अब छोड़ने आए हो, आधे घंटे की बात है, ऐसे ही है ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ, तो वापस भी ले जाना। तो मैंने कहा वापस भी ले जाऊंगा। अब इतनी धूप में, मई जून का महीना था, मैं कहाँ बैठूंगा धूप में। मैंने सोचा मैं भी इसके साथ ही बैठ जाता हूँ इस टेस्ट में, और मैं टेस्ट में बैठ गया। टेस्ट में बैठने के बाद हुआ ये, आधे घंटे के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का जो रिजल्ट आया वो रह गया, मैं पास हो गया। मैं पास हुआ तो मुझे जॉब मिल गई, मैं जॉब करने लगा। और एक साल भी नहीं हुआ था, एक साल के अंदर अंदर जॉब से उबने भी लगा। मुझे लगा कि यार ये शायद इस तरह से नहीं, पत्रकारिता करनी चाहिए तो फील्ड में जाके करनी चाहिए, कुछ ऐसे डेस्क पे बैठ के आप कुछ कर रहे हैं, वो मुझे ज्यादा मजा नहीं आया उस काम में। तो इसलिए एक डेढ़ साल में वहां से फिर मैं जनसत्ता में शिफ्ट भी हो गया।